नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2022 के प्रतिभागी हैं और केबीसी सीजन 14 का कहीं ना कहीं आपको ये आभास हो रहा है कि आपका सिलेक्शन जो है फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए हो जाएगा और केबीसी टीम के तरफ से आपके पास एफएफए कॉल आने वाला है, तो कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके तरफ से ये कमेंट पोस्ट किया गया है और वो पूछना चाह रहे हैं कि आखिर हमारे स्टेट में जो है एफएफएफ का कॉल कब से आरंभ होने वाला है। हालांकि वो प्रतिभागी जो है आसाम से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जिस स्टेट के भी रहने वाले हैं, आखिर आपके स्टेट में केबीसी का जो एफएफएफ कॉल है वो कब से जाने वाला है और कब तक जाएगा, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हालांकि इस कंसेप्ट पे हम आपको वीडियो पहले भी बनाकर बताए थे कि आखिर ये कॉल जो है आरंभ हुआ है या फिर नहीं हुआ, और साथ ही साथ प्रतिभागी को फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड कॉल का इंतजार जो है कब तक करना चाहिए, सारा जो है डिटेल्स हम आपको दिए थे। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको ये लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पे पार्टिकुलर वाइज, यानी कि कुछ स्टेट को पहले सेलेक्ट किया जाता होगा और कुछ स्टेट को बाद में सेलेक्ट किया जाता होगा। तो हम आपको बता दें, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति के प्रतिभागी हैं तो जाहिर सी बात है आप केबीसी का एपिसोड जरूर आप देखे होंगे। भले ही सीरियल वाइज आप एपिसोड नहीं देखे हों, लेकिन कम से कम एक भी एपिसोड शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखे होंगे। उसमें जब भी पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया जाता है, यानी कि वीकेंड का पहला एपिसोड जो सोमवार को प्रसारित किया जाता है, उस एपिसोड में आप देखेंगे तो जितने भी प्रतिभागी को एक ग्रुप में फास्ट फिंगर फर्स्ट टाइम के लिए आमंत्रित किया जाता है, वो सभी प्रतिभागी जो है अलग अलग स्टेट के होते हैं। और इस बात को भी आप जानते हैं कि एक वीकेंड में, यानी कि केबीसी के एक सप्ताह में 10 प्रतिभागी को जो है बुलाया जाता है और वो 10ों प्रतिभागी 10 स्टेट के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट के जो है दो तीन प्रतिभागी होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जब एक जो ग्रुप है वो डेवलप किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो उसमें 10 स्टेट के प्रतिभागी को जो है सेलेक्ट किया जाता है। तो हमें नहीं मालूम कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं, पंजाब के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, जिस स्टेट के भी रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि आपको इसलिए नहीं पता चल पा रहा है कि आपके स्टेट में कॉलिंग स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसके पीछे के रीजन हम आपको बता दें। देखिए, ग्राउंड ऑडिशन तक, यानी कि वीडियो ऑडिशन तक क्या होता है कि जब केबीसी टीम की तरफ से कॉल आता है तो जितने भी प्रतिभागी के पास कॉल आता है वो क्रिएटर्स के पास क्या करते हैं कि अपना वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है शेयर कर देते हैं, और उसी के आधार पे प्रतिभागी प्रूफ के साथ आप तक इस बात को पहुंचा देते हैं कि देखिए जो है कॉल आ रहा है। और साथ ही साथ केबीसी के पीडीएफ फाइल में अगर रूल और रेगुलेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है सारा डिटेल्स दिया रहता है, तो क्रिएटर्स उसी डिटेल्स के आधार पर या फिर प्रतिभागी के द्वारा जो है वहाँ पे जो भी जानकारी मुहैया कराई जाती है उसके आधार पे वो आपके बीच जो है इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी जानकारी से हम आपको अवगत करा दें, हालांकि इस जानकारी को हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके स्टेट से सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 प्रतिभागी को ही जो है फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए चुना जाने वाला है। ये जो प्रतिभागी हैं ये आसाम के रहने वाले हैं, तो खासकर हम इनको बता दें कि आसाम से ज़्यादा प्रतिभागी अगर होगा केबीसी 2022 में तो 5 से 6 प्रतिभागी होगा, वो भी गनीमत है 5 से 6 प्रतिभागी, दो तीन में ही समाप्त कर दिया जाएगा। 5 से 6 प्रतिभागी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत से जो है मोस्टली यहाँ पर देखेंगे आप 400 प्रतिभागी को ही चयनित किया जाना है फास्ट फिंगर फर्स्ट टाइम के लिए, वो भी 400 ज़्यादा हम आपको बता रहे हैं, 100 या 150 आप कम ही आंकड़ा लेकर चलिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 160 ही प्रतिभागी तो यहाँ पे जो है फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में बैठने वाले हैं। 4 महीना का एपिसोड चलता है, एक ग्रुप में जो है 10 प्रतिभागी बैठते हैं, इसका मतलब सप्ताह में 4 वीकेंड होता है, तो एक महीना में 40 प्रतिभागी, अगर ये 4 महीना तक एपिसोड चलता है तो 160 प्रतिभागी, और 5 महीना तक चलता है तो 200 प्रतिभागी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 200 प्रतिभागी को ही फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए मुंबई बुलाया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं भारत में कितने राज्य हैं, उतने राज्य की संख्या से 200 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से भी कम संख्या एक स्टेट में आने वाला है, तो इसलिए आपको मालूम नहीं चल पाता है। तो अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप ये मत उम्मीद में रहिए कि हमारे स्टेट में कॉलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कॉलिंग केबीसी का फास्ट फिंगर फर्स्ट टाइम का जो कॉलिंग है वो आरंभ हो चुका है, शूटिंग भी आरंभ हो चुका है,
और एक और जानकारी, हालांकि इस पे हम अपडेट दूसरे वीडियो में देंगे, लेकिन पहला जो एपिसोड यहाँ पे टेलीकास्ट होने वाला है उसमें आमिर खान जो है अपनी फिल्म के प्रमोशन करने के लिए केबीसी के मंच पे आने वाला है। वो किस डेट को आने वाले हैं और किस फिल्म को प्रमोशन करेंगे, क्यों आ रहे हैं, किसके साथ आने वाले हैं, सब सारी जानकारी जो है दूसरे वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो बस अपने माइंड में एक चीज़ टारगेट सेट कीजिए, जिस स्टेट के भी आप रहने वाले हैं, आपका जो कॉलिंग है वो अभी से आरंभ हो चुका है और ये कॉलिंग नवंबर तक चलने वाला है, अक्टूबर या फिर नवंबर तक ये कॉलिंग चलने वाला है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से 5 प्रतिभागी को चुना जाना है तो 1 महीना में 1 प्रतिभागी को चुना जाएगा। अब आप सोच सकते हैं 5 प्रतिभागी है तो आखिरी कॉल कब जाएगा, नवंबर में जाएगा। इस तरीके से ये आप मत सोचिए कि किस राज्य में कॉलिंग स्टार्ट हुई है और किस राज्य में कॉलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बिल्कुल 10 ग्रुप है तो 10ों पर, एक ग्रुप में 10 प्रतिभागी है तो 10ों प्रतिभागी हैं जो है 10 स्टेट के होंगे। 1 महीना में 40 प्रतिभागी को आमंत्रित किया जाएगा तो 40 प्रतिभागी क्या होंगे, अलग अलग स्टेट के होंगे। तो इस तरीके से प्रतिभागी को इन्वाइट किया जाएगा। तो बस आप अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए, आपको ये भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक राज्य से 5 ही प्रतिभागी को चुना जाएगा। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि हमें कितना सीट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, हम अपने लिए सिर्फ सोचेंगे, बाकी 5 सीट है, 10 सीट है, 20 सीट है, उसे हमको क्या लेना देना है। हम सिर्फ एक हम है जो हम हॉट सीट पर बैठना चाहते हैं, तो सिर्फ हम अपनी एक सीट के लिए जो है भगवान से मनाएंगे कि भगवान से आप प्रे कीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए और केबीसी टीम के तरफ से जो है आपके पास फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम का जो कॉल है वो आ जाए। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो कंफ्यूज है। और साथ ही साथ एक और हम आपको बता दें, अभी तो हालांकि ये एपिसोड टेलीकास्ट होना शुरू ही नहीं हुआ है तभी से प्रतिभागी की धड़कने जो है इतना तेज गति से बढ़ना शुरू हो चुका है, और जब ये एपिसोड टेलीकास्ट होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे एपिसोड आगे की ओर बढ़ेगा अपनी अंतिम अवस्था की स्थिति में आना शुरू कर देगी, वैसे वैसे प्रतिभागी की जो धड़कने हैं वो शांत होना शुरू हो जाता है, उनकी उम्मीदें जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उनको कहीं ना कहीं ये एहसास लगना शुरू हो जाता है कि मेरा जो सिलेक्शन है इस सीज़न में नहीं होगा। तो वैसे सभी प्रतिभागी के लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक लकी ड्रॉ है, इसमें कुछ नहीं देखा जाता है, किस्मत अगर आपका साथ देगा तो आप में हुनर नहीं भी होगा तब भी आप मंच पे चले जाएंगे। कितने सारे प्रतिभागी को आप देखते होंगे जिनके पास उतना नॉलेज नहीं भी होता है तब भी केबीसी के मंच पे चले जाते हैं। तो अगर आपका लक साथ देता है, भगवान से पहले ही हम आपको बोले हैं कि प्रे कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अगस्त तो क्या नवंबर तक जो है मुंबई पहुँचेंगे और केबीसी के फास्टेस्ट फिंगर फास्ट राउंड में बैठ कर हॉट सीट पर जरूर आप विराजमान होंगे। तो बस आप इंतज़ार कीजिए अक्टूबर से नवंबर तक, जब भी आपका सिलेक्शन होता है आपके पास केबीसी टीम की तरफ से FFF कॉल जरूर आ जाएगा।